दोस्तों टेस्ट क्रिकेट का सबसे मुश्किल फॉर्मेट है, इसलिए नहीं कि इसमें 5 दिन तक खेलने के लिए फिटनेस लेवल रखना पड़ता है या 1 दिन में 90 ओवर खेलना पड़ता है, बल्कि इसलिए कि इस प्रारूप में काफी संयम के साथ खेलना पड़ता है। कभी गेंदबाज तो कभी बल्लेबाज भी होता है। कभी कभी जो पूरे दिन में नहीं होता वो मात्र आखिरी 30 मिनट में हो जाता है। एक सेशन और खेल पलट जाता है। हर टीम कम से कम एक ऐसे खिलाड़ी का ख्वाब देखती है जो टेस्ट में अविश्वसनीय तरीके से बल्लेबाजी कर सके, लंबी और टिकाऊ पारियां खेल सके, कोलैप्स हो तो टीम को संभाल सके, जो टीम की हार और विरोधियों की जीत में दीवार बनकर खड़ा हो और इसे ड्रॉ में बदल दे। हम भारतीयों का सौभाग्य था कि हमारे पास राहुल द्रविड़ थे। वेस्टइंडीज की खुशकिस्मती उनके पास चंद्रपाल, श्रीलंका के पास जयवर्धने, इंग्लैंड की जड़ें मजबूत करते जोरू, तो दक्षिण अफ्रीका के पास हाशिम अमला। ठीक वैसे ही पाकिस्तान के पास भी एक ऐसा बल्लेबाज था जिसने अपनी लाजवाब बल्लेबाजी के दम पर मिस्टर डिपेंडेबल का उपनाम पाया। उनकी परिपक्व बल्लेबाजी के दम पर उन्हें पाकिस्तान का राहुल द्रविड़ कहा गया। कई बार अपनी टीम को उन्होंने मुश्किलों से उबारा, मगर पहले मुसलमान न होने के चलते और बाद में अपना धर्म परिवर्तन के चलते उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ की, जो कभी यूसुफ योहाना हुआ करते थे। आज हम जानेंगे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले इस महान खिलाड़ी के जीवन के बारे में, साथ ही ये भी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसके चलते उन्हें अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा। यूसुफ योहाना का जन्म 27 अगस्त 1974 को पाकिस्तान के लाहौर में एक ईसाई परिवार में हुआ। उनके पिता योहाना मसीह रेलवे स्टेशन में काम किया करते थे। उनका घर पास की रेलवे कॉलोनी में था। यूसुफ एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे। उन्हें क्रिकेट में रुचि तो बचपन से ही थी, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। क्रिकेट का सामान लेने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। उस वक्त वो टेनिस क्रिकेट खेला करते। 12 साल की उम्र में उन्होंने गोल्डन जिमखाना टीम से भी खेला और धीरे धीरे वे लोकल टूर्नामेंट भी खेलने लगे। और छोटी उम्र से ही उनकी बल्लेबाजी में एक अलग किस्म की मैच्योरिटी और वो पैनापन देखने को मिलता था जो उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता। उनके शानदार स्ट्रोक प्ले और लाजवाब फुटवर्क के चलते वे दूसरों से कहीं आगे थे। आगे जूनियर लेवल और घरेलू क्रिकेट में अपना करिश्मा दिखाने वाले यूसुफ पर चयनकर्ताओं की नजर पड़ी और आखिरकार 1998 में उन्हें पाकिस्तान की ओर से पदार्पण करने का मौका मिला। वे पाकिस्तान की टीम से खेलने वाले 5वें नॉन मुस्लिम थे और 4थे ईसाई खिलाड़ी थे। उन्होंने अपना पहला मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डरबन में खेलकर अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सफर चालू किया। हालांकि वे इस मुकाबले में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और दोनों पारियों में दहाई का भी आंकड़ा नहीं छू सके। अगले ही महीने उन्होंने अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला और जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला शतक लगाकर काफी प्रभावित किया, मगर अभी भी उनके बल्ले से निरंतर रन नहीं आ रहे थे। 1999 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा में उनकी 95 और 75 रन की पारी ने उन्हें स्टार बना दिया और अब यूसुफ योहाना विश्व भर में एक जाना माना नाम बन गया। इसी वर्ष हुए विश्व कप में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार शतक लगाया, मगर चोट के चलते वे बाहर हो गए। उनकी बल्लेबाजी में एक चीज जो उन्हें सबसे खास बनाती थी वो था उनका धैर्य। जहां बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में हवाई फायर खेल शॉट लगाने में विश्वास रखते, वहीं यूसुफ तकनीकी के दम पर रिस्क फ्री क्रिकेट खेलने में विश्वास रखते। वे ग्राउंडेड शॉट्स खेलकर रन बटोरने में माहिर थे और जब एक बार क्रीज पर टिक जाते तो उनका विकेट चटकाने के लिए गेंदबाजों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती। यही कारण था उन्हें पाकिस्तान का द्रविड़ भी कहा जाता। अपनी साउंड तकनीकी और इत्मीनान से टिककर क्रीज पर लंबी पारियां खेलने की उनकी अप्रोच के चलते वो कुछ ही समय में पाकिस्तानी बल्लेबाजी के अभिन्न अंग बन गए। 2002 और 3 में लगातार 2 साल यूसुफ ने ओडीआई क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाए। यही नहीं, लगातार 7 वर्षों तक कमाल की कंसिस्टेंसी से खेलते हुए ये दिग्गज टेस्ट में भी टॉप स्कोरर रहा। 2004 में उन्होंने पाकिस्तानी टीम की कमान भी संभाली और ऐसा कारनामा करने वाले वे पहले और एकमात्र नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी भी बने। और 2004-05 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बॉक्सिंग डे टेस्ट में शानदार 111 रन की पारी भी खेली। कुछ ही समय बाद एक अनोखी खबर सामने आई जिसके चलते काफी बवाल भी हुआ। यूसुफ योहाना ने 2005 में तबलीगी जमातों में जाने के बाद अपना धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। हालांकि पारिवारिक और व्यक्तिगत कारणों के चलते उन्होंने 3 महीनों तक ये बात गोपनीय रखी और बाद में जुमे की नमाज अदा करने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर मोहम्मद यूसुफ रख लिया, जिसके चलते काफी लोग उनसे नाराज भी हुए, खासतौर पर उनके माता पिता और अन्य परिवार के सदस्य। उनकी माँ ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो कुछ भी यूसुफ ने किया इसके चलते मैं उन्हें अपना नाम नहीं देना चाहूंगी। एक इंटरव्यू में धर्म परिवर्तन का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शुरू से ही उनके सईद अनवर और उनके छोटे भाई जावेद अनवर उनके काफी अच्छे दोस्त थे।
अरविंद के रहन सहन तौर तरीके से काफी प्रभावित थे और बाद में जब सईद अनवर इस्लाम से संबंधित धार्मिक प्रचार करने लगे तो उसमें वशीभूत होकर उन्होंने भी इस्लाम धर्म कबूल करने का मन बना लिया। उनकी माने तो सन 2000 में ही उन्होंने कलमा पढ़ लिया था, लेकिन इस प्रोसेस को 4-5 साल लग गए। लेकिन इस बात की एक और सच्चाई का खुलासा उनके पूर्व टीममेट और दिग्गज तेज गेंदबाज शुएब अख्तर ने करते हुए भी बताया कि 2005 से पहले यूसुफ के मुसलमान न होने के कारण ड्रेसिंग रूम में उन्हें ना ही वो तवज्जो मिली और ना ही वो माहौल जिसके वे हकदार थे। एक बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद उनके साथ कोई बैठकर खाना खाने को भी तैयार नहीं था। इस ज्यादती के चलते उनका टीम में स्थान पक्का नहीं रहता और इस भेदभाव से तंग आकर एक वजह ये भी थी कि अपने करियर को लंबा करने के लिए यूसुफ एक मुसलमान बन गए। रमीज रजा ने भी ये कहा कि अपना धर्म बदलने के बाद यूसुफ को वो इज्जत मिली और बतौर खिलाड़ी और बल्लेबाज उनमें काफी निखार आया। 2005 के दिसंबर में इंग्लैंड के खिलाफ 223 रन की लाजवाब पारी खेल मैन ऑफ द मैच बने। 2006 में वे अपने इस प्राइम को पीक पर ले गए। यूसुफ ने मानो रनों का माउंट एवरेस्ट खड़ा कर दिया। इस वर्ष उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इंग्लैंड दौरे पर पहले मुकाबले में 202 और 48 रन की पारी खेल मैन ऑफ द मैच बने। वहीं अगले दो मुकाबलों में उन्होंने 192 और 128 रन ठोक डाले। इस वर्ष यूसुफ ने केवल 10 टेस्ट मैचों में 99.33 की औसत से 12 शतक की मदद से 1799 रन ठोक डाले। इस दौरान उन्होंने द ग्रेट विवियन रिचर्ड्स के 30 साल पुराने दो विश्व रिकॉर्ड तोड़ एक नया कीर्तिमान रचा। इस वर्ष में सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने का उनका यह रिकॉर्ड आज तक भी अटूट है। साथ ही डॉन ब्रैडमैन के लगातार 6 मैच में शतक का रिकॉर्ड यूसुफ ने मात्र 4 मुकाबलों में पूरा किया। लेकिन मुल्तान में 191 रन पर आउट होते ही वे 3 बार 190 में आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने। 2007 में उन्होंने अपने करियर के इस करिश्माई दौरे को जारी रखते हुए केवल 10 पारियों में 7 शतक और 2 अर्धशतक के दम पर 944 रन बनाए। इसके लिए उन्हें ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा गया। इसी दौरान यूसुफ विवादों में भी घिर गए। जब 2007 में विवादित ICL लीग में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो PCB ने उन्हें टीम से बाहर करने की धमकी दे दी और साथ ही IPL खेलने की अनुमति दे दी। एक चयनकर्ता ने यह बयान दिया कि बेशक वे हमारे अव्वल दर्जे के बल्लेबाज हैं और उनका भविष्य काफी सुनहरा है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वे ICL नहीं खेलेंगे। जिसके चलते यूसुफ ने अपना फैसला बदल लिया, मगर वे IPL में अनसोल्ड रहे और जब अगले ही वर्ष उन्हें टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया तो वे ICL खेलने गए और बदले में उन्हें पाकिस्तान टीम से बैन कर दिया गया। हालांकि 2009 में पाकिस्तान कोर्ट ने ICL खेलने वाले उन सभी खिलाड़ियों से बैन हटा दिया और बाद में ये बात भी सबके सामने आई कि यूसुफ और शुएब मलिक के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। इसके चलते यूसुफ ने ICL ज्वाइन किया, मगर बाद में उन्होंने ICL से सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर जुलाई में लगभग 2 साल बाद टीम में वापसी की और आते ही श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में शतक जड़ दिया और कुछ ही समय पश्चात उन्हें न्यूजीलैंड के लिए टीम की कमान भी सौंपी गई। अब उन्हें तीनों प्रारूपों में खेलने का मौका मिलने लगा और यूसुफ के करियर में सब कुछ ठीक ही हो रहा था, मगर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मिली करारी शिकस्त ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया जब उन पर अनुशासन खराब कर टीम का माहौल बिगाड़ने के आरोप लगे। इसके चलते उन्हें पाकिस्तान बोर्ड ने बैन कर दिया और अनिश्चित समय के लिए टीम से बाहर कर दिया। इस फैसले से मायूस होकर यूसुफ ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। लेकिन 2010 में इंग्लैंड से 354 रन से शर्मनाक हार के बाद यूसुफ ने क्रिकेट में वापसी का ऐलान किया और उन्हें टीम में स्थान भी मिल गया, मगर वीजा न मिल पाने के चलते वे इस दौरे पर नहीं पहुंच सके। उनका चयन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीनों प्रारूपों में हुआ था, मगर चोट के चलते वे ODI सीरीज का केवल अंतिम मैच खेल पाए, जिसके दौरान यूसुफ ने एक ऐसी टी शर्ट पहनी थी जिस पर उनका नाम इंक से लिखा था। इसके बाद उन्हें मैच रेफरी से फटकार भी पड़ी, मगर ICC ने उन्हें हरी झंडी दिखा दी। मगर पहले टेस्ट से कुछ वक्त पहले ही उनकी ग्रोइन में चोट आ गई, जिसे ठीक होने में 2 हफ्ते लग गए और वे सीरीज से बाहर हो गए। बढ़ती उम्र के चलते अब वो चोटों का सिलसिला बढ़ता रहा और अब यूसुफ टीम में चुने जाने के बावजूद मैदान में काफी कम दिखाई पड़ते और फिर कभी ये पाकिस्तान की टीम की तरफ से नहीं खेल पाए। यूसुफ ने अपने करियर में टेस्ट में 24 और ODI में 15 शतकों की बदौलत टेस्ट में 54 की औसत से 6000 से अधिक रन बनाए। ऐसा कारनामा करने वाले वे केवल तीसरे बल्लेबाज हैं जिनकी प्रतिभा को बयान करती है। वहीं अपने एक दिवसीय करियर में उन्होंने 9720 रन बनाए। अपने 100वें एक दिवसीय मैच में शतक ठोकने वाले वे विश्व के मात्र तीसरे बल्लेबाज हैं। वहीं एक दिवसीय मैच में उनका दूसरा सर्वश्रेष्ठ औसत 44.5 है। उनके सुनहरे करियर के आंकड़े लाजवाब हैं। साथ ही उनके एक वर्ष में सर्वाधिक टेस्ट रन का रिकॉर्ड भी आज तक कोई नहीं तोड़ सका है। लेकिन जो जातिवाद का शिकार यूसुफ को अपने करियर में करना पड़ा उसका सामना कोई खिलाड़ी नहीं करना चाहेगा। इस भेदभाव और टीम सिलेक्शन मेरिट बेस पर ना होने के कारण पाकिस्तान टीम और बोर्ड की आज भी काफी निंदा की जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी पाकिस्तान टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी यूसुफ योहाना यानी मोहम्मद यूसुफ की। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।